हेलो, वेलकम बैक. दिस इज राजकमल. हेलो गाइस, आज का टॉपिक होगा एसएफ6 सर्किट ब्रेकर. ओके, एसएफ6 सर्किट ब्रेकर के अंदर जो है वो किस तरीके से ऑपरेशन होता है, तो इसके सारे एडवांटेज, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग प्रिंसिपल, हम सारे चीज़ों की डिस्कस करने वाले हैं. एक चीज़ और आपको ध्यान रहे कि सर, सर्किट ब्रेकर अब तक हमने जितने ने किया, एक सेकेंड, हमारी आवाज़ अब तक आ रही है? ओके, आई होप आवाज़ बिल्कुल आ रही है ना. सो एसएफ6 सर्किट ब्रेकर जो है, अब तक हमने हाई वोल्टेज में जितने सर्किट ब्रेकर किए उनमें एसएफ6 सर्किट ब्रेकर हमारा अंतिम होगा. इसके बाद हम अंतिम मतलब लास्ट होगा. ओके, और इसके बाद जो सर्किट ब्रेकर होंगे वो हमारे लो वोल्टेज ऑपरेशन वाले सर्किट ब्रेकर होंगे, जो आपके घरों, हाउस होल्ड या छोटे छोटे इंडस्ट्री प्लांट वगैरह में यूज किए जाते हैं, जैसे कि एमसीबी सर्किट ब्रेकर, आप सब जानते होंगे एमसीबी. ओके, ईएलसीबी या छोटे छोटे सर्किट ब्रेकर जो भी है, हाई लो वोल्टेज जिसको बोलते हैं, लो टेंशन वोल्टेज ऑपरेशन में, और अभी तक हमने करा वो हाई वोल्टेज ऑपरेशन में. नाउ सर, सर्किट ब्रेकर की बात करें तो कई बार यहीं से क्वेश्चन सबसे पहला उठने लगते हैं, सर्किट ब्रेकर क्या है. तो सर्किट ब्रेकर सर, आज का फुल फॉर्म आपसे पूछ देता है, SF6 का फुल फॉर्म क्या होता है? तो सल्फर हेक्सा फ्लोराइड. ओके, सल्फर हेक्सा फ्लोराइड. नेक्स्ट, अनदर थॉट्स की मैं बात करूं तो आपसे ये पूछता है कि टाइप्स ऑफ हाई वोल्टेज सर्किट ब्रेकर में कौन, जो भी थे मेनली ये मेजर चार थे. ओके, जिसमें ऑयल सर्किट ब्रेकर हमने कर लिया, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर हमने कर लिया, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर कर लिया, एंड टुडे आई विल कंटिन्यू SF6 सर्किट ब्रेकर. ओके, तो आज ये भी कंप्लीट हो जाएगा. इन जब आप कहीं भी ग्रिड या बड़े बड़े आप ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर आप देखते हो ना, तो ग्रिड के पास या सबस्टेशन पे आपको ऐसे दिखेंगे अमूमन. ओके, ये देखिए, फिर वही वाली बात जो मैंने आपसे बोला था लास्ट टाइम कि इनमें भी सर आपको वही दिखेगा. देखिए, ये एक फेज के लिए, जैसे एक सिंगल फेज के लिए ये जो कंडक्शन मोड है आपका, एक ऐसा दिखाया गया. ओके, एक सिंगल के लिए एक होता है, लेकिन थ्री फेज सिस्टम अगर होगा तो थ्री फेज के लिए किस तरीके से होगा, फिर यहाँ से आएगा. ओके, ये और इसका दूसरा सीन दिख नहीं रहा. ओके, ये वाले का यहाँ से है और ये वाले का यहाँ से. ओके, सो इस तरीके से थ्री फेज का सिस्टम है जो प्रैक्टिकली आपको सर दिखता है. ओके, नाउ एक पे पूरी एनालिसिस होगी कैसे सर्किट ब्रेकर आपका काम करता है, और इसके प्रॉपर एनिमेशंस दूंगा जिससे कि चीज़ें और आसान हो जाएंगी. नाउ सर्किट ब्रेकर में ना आप देखोगे ऑब्वियसली सर SF6, पहले हम नाम से चलते हैं. अगर SF6 सर्किट ब्रेकर है, इसका क्या मतलब है? SF6 सर उस मीडियम के बीच डाला जाता होगा. SF6 सर्किट ब्रेकर तो सर्किट ब्रेकर है, लेकिन SF6 उस मीडियम के बीच डाला जाता होगा जहां पे क्या होता है सर, आपका आर्क फॉर्मेशन कर रहा होगा. जहां पे आर्क फॉर्मेशन कर रहा होगा वहीं हम SF6 डालते हैं, क्योंकि अभी तक देखा कि एयर सर्किट ब्रेकर में डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ एयर जो था कमजोर था, उसको इंप्रूव करने के लिए एयर को ब्लास्ट किया, तो उससे क्या प्रेशर से आपका डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इंक्रीज किया था. सो ना वो भी हो चुका, ना वैक्यूम देखा, वैक्यूम का डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ भी एयर की तुलना में ज्यादा था, तो वो वैक्यूम सर्किट ब्रेकर बन गया. ना ऑयल हमने रख दिया, ऑयल भी क्या हुआ, जब आपके स्पार्क प्रोड्यूस होता है यानी आर्क फॉर्मेशन होता है, तो ऑयल का भी डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ एयर की तुलना में ज्यादा होता है, इसलिए वो भी हमारा काम कर गया. ना अब सबसे बेटर हायर वोल्टेज ऑपरेशन के लिए, ध्यान रखिएगा सर, हायर वोल्टेज ऑपरेशन के लिए सबसे हैवी, अगर सर्किट ब्रेकर मतलब हैवी मतलब सबसे बढ़िया सुटेबल है सर्किट ब्रेकर है, तो वह SF6 400 kV से ऊपर एप्लीकेशन के लिए बहुत बढ़िया सुटेबल है, क्योंकि इसकी कॉस्ट थोड़ी ज्यादा पड़ती है. इसीलिए हायर वोल्टेज एप्लीकेशन ये 800 kV वोल्टेज तक ऑपरेशन बहुत फ्रिक्वेंट किए जाते हैं. हालांकि नो एडेज सर, आप तो 1200 kV सर्किट ब्रेकर बनने लगे हैं. ओके, सो 400 से 800 kV किलो वोल्ट के जो सर्किट ब्रेकर होते हैं वो जनरली आप SF6 देखने को मिलता है. सो सबसे हायर रेटिंग के जो सर्किट ब्रेकर होते हैं वो SF6 होते हैं. इसकी डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ सबसे बेहतर होती है, और इनमें सर सबसे बेहतर परफॉर्मेंस मैं बताऊं ना, कि जैसे कि आपका SF6 है, ये एयर की तुलना में इसकी डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ लगभग 3 गुना होती है, लगभग मतलब 2.5 गुना 3 गुना के आसपास होती है. ओके, जो कि आप कहें तो लिक्विड ऑयल से कम ही है, तो फिर भी ऑयल की तुलना में SF6 सर्किट ब्रेकर इतना क्यों यूज किया जाते हैं ना, जबकि ऑयल सर्किट ब्रेकर आप देखोगे ना, उसकी डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो होती है इसकी तुलना में ज्यादा ही होती है, फिर भी SF6 को हमेशा प्रेफर किया जाता है. ओके, सो ऑयल के अंदर जो ना वो कुकिंग रिस्पॉन्स यानी फास्ट रिस्पॉन्स नहीं होता जितना कि SF6 होता है. ऑपरेटिंग टाइम इसका बहुत कम होता है, फटाक से एग्जिट किया, आर्क फॉर्म से मिट गया, बुझ गया, काम खत्म, बहुत फास्ट रिस्पॉन्स करता. और क्या एडवांटेज है, इनफ्लेमेबल नहीं होता है SF6 जो है,
केमिकली बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं, ये जल्दी ब्रेक नहीं करते, टूटते नहीं। ओके टूटता नहीं तो इससे क्या होता है ना, एक्सप्लोजन यहाँ पे नहीं होता, आपको मतलब कह सकते हो कि एनवायरमेंट को पोल्यूट करने वाला गैस का फॉर्मेशन नहीं होता जो कि ऑयल के अंदर होता था। ऑयल डिकम्पोज हो जाते थे एसिटिलीन और हाइड्रोजन के अंदर। ओके जिसके कारण क्या होता था कि ये एक्सप्लोजन बना लेते थे, ब्लास्ट करने की कैपेसिटी हो जाती थी। ओके कार्बन का फॉर्मेशन जो एनवायरमेंट को बहुत गंदा करता था। सो ये भी है। दूसरा उसके साइज, चूंकि ऑयल के टैंक होंगे, ऑयल के जो टैंक होंगे तो ऐसे कंडीशन में उसके साइज भी सर्किट ब्रेकर के बहुत ज्यादा बड़े हो जाते हैं, इसमें कम्पैक्ट होता है। अगर मैं आपको दिखाऊं ना सर, ये देखिए ये वायर तो इंसुलेटर अब जो है ये तो मान लो कि यहां से यहां तक तो आप यूज किए बुशिंग के लिए। ओके नो यहां इसका साइज देखिए काफी छोटा हो गया, जबकि ऑयल के लिए बड़े बड़े टैंक का इस्तेमाल करना होता था। मैंने आपको टैंक में दिखाया ना। अब एक चीज और बात में करूं सर, इसको यूज करने का और जो फायदा है वो क्या है कि आपका एसेप्टिक सर्किट ब्रेकर के अंदर जो है ये डिकम्पोज नहीं होते, वो डिकम्पोज होता है। तो वैसे कंडीशन में ऑयल जो वो मतलब ऑयल, ओके ऑयल सर्किट ब्रेकर में अगर आपका डिकम्पोज हो गया, कार्बन जमा हो गया तो उसको निकालना होता था, दूसरा टैंक से फिर आता था, फिर जाता था। यानी ऑयल सर्किट ब्रेकर में आप जो डिकम्पोज हुआ तो वही हमेशा ऑयल नहीं रहेगा, वो आपको उसको एग्जिट करना पड़ेगा, फिर इन करना पड़ेगा, फिर वो डिकम्पोज है, वो एग्जिट हुआ, फिर इन हुआ, एग्जिट हुआ, वो प्रोसेस लगातार चलता है। कुछ आउट होते हैं, इन होते हैं लगातार, कुछ इन किए जाते हैं, फ्रेश ऑयल आपको लगातार देना पड़ता है, इसलिए टैंक की जरूरत होती है। इसीलिए उसमें दो प्रकार होते हैं, मिनिमम ऑयल एक होता है कि कम ऑयल वाले में तो उसको आपको बराबर रिप्लेस करना पड़ता है, मेंटेनेंस की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, और एक होता है कि आपका बल्क ऑयल सर्किट ब्रेकर उसमें बहुत ज्यादा टैंक स्टोर होते हैं और आप जैसे सर्किट ब्लास्ट होता है या कोई फॉर्मेशन होता है, आप ब्लास्टिंग प्रोसेस में ऑयल जो है डिकम्पोज हुआ बाहर निकला, फिर इधर से ऑयल आपको मिलता रहता है। सो इसीलिए उसकी साइज बहुत लार्ज होता है। यहाँ डिकम्पोज नहीं होते, डिकम्पोज होते हैं तो मैं क्या होता आगे उनकी चर्चा में करूंगा, मतलब केमिकली स्टेबल होता है और डिकम्पोज होता है फिर से SF6 बना लेता है। चलिए तो चलिए सर, आई होप थोड़ा रफ डाटा मिला। अब हम इसके बारे में एक एक चीज को डिस्कस करने वाले हैं। अब स्लाइड इसमें इतना ज्यादा हो गया कि फिर आपको थोड़ा सा स्लो हो गया। देखिएगा सर, देखिए सर्किट ब्रेकर तो आपको बहुत बड़ा होता है सर, पर क्या प्रैक्टिकली तो ऐसा दिखता नहीं। प्रैक्टिकली तो हम इसके जो प्रैक्टिकली होता है ये ऐसा होता है, लेकिन अपन वर्किंग उसमें देखेंगे काम कैसे करता है, उसके अंदर एक्चुअली होता क्या, मैकेनिज्म कैसा होता है। तो यहाँ देखिए क्या होता है, ये कॉन्टैक्ट में रहेगा, ये जब सर आपका जब आपका सर्किट ब्रेकर ऑपरेशन में होगा तो ये किस में होगा सर, कॉन्टैक्ट में हो, ये किस में होगा सर, कॉन्टैक्ट में होगा आपस में। ओके लेकिन मान लो कि कोई फॉल्ट हो गया तो हेवी करंट जाएगा तो ऐसे कंडीशन में डिटेक्ट करके ये सिग्नल इसको गैप बनाना शुरू करेगा। जो गैप बनाना शुरू करेगा सर, तो ये गैप बनेगा तो यहाँ पे आपको पता है, तब भी गैप होने के बाद भी यहाँ पे तो क्या होंगे सर, हेवी स्पार्क होगा यानी आर्क का फॉर्मेशन तो होगा। अब ये आर्क तो जल्दी बुझने वाला है नहीं, तो इसके लिए आप यहाँ पे SF6 का इस्तेमाल करते हो, SF6 सल्फर हेक्सा फ्लोराइड। ओके ये गैस इसमें डाल दिए जाते हैं, अब ये गैस जो होते हैं इसको क्या करता है सर, एलिमिनेट कर देता है, इस आर्क को खत्म कर देता है, और इस तरीके से आपका आर्क का प्रोसेस चलता है, मतलब कि आपका SF6 सर्किट ब्रेकर वर्क करता है। इसका प्रॉपर वर्किंग बता देता हूं मैं, हर एक चीज को बताऊंगा। तो फिलहाल आप देख लीजिए, ये एक चेंबर है, ये एक मूविंग मैकेनिज्म है, यहां से SF6 इनलेट होता है, जैसे ब्लास्ट किया वैसे, मतलब कि पहले ये कंडक्टर रूप में आसानी से चल रहा था, जुड़ा हुआ होगा, ये भी SF6 इनलेट अपना बंद होगा, ऐसा नहीं कि पहले से SF6 को ब्लास्ट करते हैं, नहीं, ये अपना इनलेट एक वाल्व के थ्रू क्लोज रहता है, जैसे ही ब्लास्ट करेगा ऑपरेट होगा, मतलब ये जैसे ही ऑपरेट होगा वैसे ही वाल्व ओपन होता है, SF6 इसके आसपास आ जाता है और वो क्या करता है, आर्क को एलिमिनेट करने का काम करता है। और जो आर्क रहा, मान लो कि जो आर्क भी रहे, अगर थोड़ा बहुत आउटलेट भी है तो कुछ आउटलेट्स आपको यहां से आर्क का मिलेगा। नाउ मूविंग चेंबर ये पार्ट है और ये फिक्स पार्ट है। आर्क हॉर्न क्या होता है सर, आर्क हॉर्न होता है मोस्टली एक ज्वेलरी कंपोनेंट अपन रख देते हैं यहाँ पे, जो क्या करता है, अगर यहाँ पे ये देखिए, ये एक आर्क हॉर्न का काम करता है, एक तरीके से ऑक्सिलरी एलिमेंट्स होते हैं अपने। ओके सो ये किसी तरीके के आपके जो यहाँ पे डिफेक्ट्स आते हैं उसको कंट्रोल करने का काम करता है। यहाँ पे आप कह सकते हो एक ऑक्सिलरी होता है, मतलब कोई आप कह सकते हो कि कोई आर्क जैसे कि फ्लैश ओवर होता है, किसी चीज में फ्लैश ओवर होता है तो उसको बचाने के लिए ना एक एडिशनल कुछ आर्क हॉर्न का इस्तेमाल कर लेते हैं, ताकि फ्लैश ओवर होकर उसको डैमेज ना करे, इधर से बायपास कर सके, इट्स ऑक्सिलरी होते हैं।
ना चलिए इनके मेन फंक्शंस को जानते हैं। एक्चुअली ये सर्किट ब्रेकर ये काम कैसे करता है, इसके सर मेन फंक्शंस को अपने को देखना है। आइए देखिए, ये SF6 सर्किट ब्रेकर है, इसके जो मेन फंक्शन है उसकी चर्चा मैं कर लूं। जब सर्किट में फॉल्ट होता है तो क्या होता है, सबसे पहला कुछ पॉइंट्स मैं बता दूं इसका, क्या बताऊं। देखिएगा, पहला इट्स यानी डायलैक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ SF6 इज अप्रॉक्स 2 to 3 टाइम्स ऑफ एयर। ओके, हवा की तुलना में क्या होता है, 2 से 2.5 गुना ज्यादा होता है। नाउ अब इसका प्रॉपर वर्क मैं सब कुछ बताऊंगा। दूसरा चीज यहां पे और देखिए सर, एक चीज और आप देखो, SF6 हो या एयर हो, उसमें ना हीट ट्रांसफर की कैपेसिटी बोलता है, तो हीट ट्रांसफर कैपेसिटी जो होती है SF6 की वो लगभग 2 से 2.5 गुनी होती है। हीट ट्रांसफर कैपेसिटी ए अप्रॉक्स इज अप्रॉक्स 2.5 टाइम देन एयर। हवा की तुलना में इसका जो है हीट ट्रांसफर कैपेसिटी लगभग कितना होता है सर, 2.5 गुना होता है। अब ये क्या मामला है सर, इसको समझिएगा, ये क्या मामला है 2.5 गुना हीट ट्रांसफर कैपेसिटी, ये बहुत बच्चे कंफ्यूज करते हैं, कितना 2.5 गुना, मतलब समझिएगा हीट ट्रांसफर कैपेसिटी। सर आपने हीट ट्रांसफर कैपेसिटी के 3 टाइप साइंस में पढ़े होंगे, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। ओके, नाउ कंडक्शन की बात करूं, हीट ट्रांसफर कैपेसिटी मान लो ये एक प्लास्टिक होगा और एक आयरन होगा, एक मैं बोल रहा हूं आयरन की पार्ट है और एक ये मान लो ये आयरन पार्ट है हमारा, ओके ये लोहा है सपोज दैट, ओके इस पे आइसोलेट किया हुआ है, मतलब आपको लोहा समझना, और ये प्लास्टिक है, तो आप समझो कि अगर इस पे सर अगर इसमें हीट करूं तो ये बहुत जल्दी यहां ट्रांसफर करेगा, यहां अगर इसमें हीट करूं तो यहां बहुत जल्दी ट्रांसफर करेगा, क्लियर, यहां हीट करूं तो यहां बहुत जल्दी ट्रांसफर करेगा। लेकिन प्लास्टिक वही हो अगर उसको यहां हीट करूं तो यहां ट्रांसफर बहुत डिले से होगा, क्यों, क्योंकि ये एक इंसुलेटर है, जल्दी कंडक्ट नहीं करता, ओके, लेकिन ये एक कंडक्टर है, आसानी से कंडक्ट करता है। सो अब मैं एक चीज कह सकता हूं, चाहे मटेरियल कुछ भी हो, एक्स वाई जेड कुछ भी है, इसमें क्या होता है, इसके तुलना में इसमें हायर कंडक्टिविटी प्रॉपर्टी है, किसका, हीट ट्रांसफर करने का। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी तो है ही, लेकिन एक होता है हीट ट्रांसफर, ओके, हीट कंडक्टिविटी, एक होता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, तो इसमें हीट कंडक्टिविटी भी क्या है, आसान है। तो मैं यहां पे बात करूं कि हीट ट्रांसफर कैपेसिटी इज कितना होता सर, 2.5 टाइम्स इज 2.5 टाइम्स, ओके, ज्यादा होता है किसके तुलना में, हवा की तुलना में, हवा उतना जो बढ़िया से हीट को ट्रांसफर नहीं कर पाता जितना कि SF6 कर लेता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट मैं बात करूं सर, यहां पे नेक्स्ट मैं बात करूं आपको, तो यहां पे एक चीज और है कि इट इज नॉन टॉक्सिक। ये क्या होता है, नॉन टॉक्सिक क्या होता है सर, ये जो होते ये डिकम्पोज भी हो जाए और फिर कंपोज भी हो जाता है, मतलब कि कंबाइन भी कर लेता है, पर ये नॉन टॉक्सिक होता है, मतलब यह विषैला नहीं होता, यह विषैला वेट अ सेकेंड विषैला नहीं होता, जैसे ऑयल डिकम्पोज करता था तो आपका क्या होता था, विषैला होता था, पर ये विषैला नहीं होता, ओके, तो ये कुछ खास फीचर है। और इसके प्रॉपर वर्किंग में देखता हूं, देखिएगा एक्चुअली होता क्या है सर, ये जो है ना, अब इसकी मैं वर्किंग की बात कर लूं, एक बार वर्किंग की बात कर लूं, आइए सर,
एक बार मैं इसकी प्रॉपर वर्किंग की एनिमेशन में दिखा दूंगा सर, पहले इसकी प्रॉपर वर्किंग की मैं बात कर लूं। वेट अ सेकेंड आइए सर, पहले मैं इसके वर्किंग की बात कर लूं। कार्य कैसे करता है सर? देखिए SF6 के अंदर क्या होता है, चलिए हमारा इमेज यहीं पे है तो मैं इसी को यहां पे दिखा देता हूं, बता देता हूं। देखिए सर, यहां पे जैसे कोई फॉल्ट आया, ड्यूरिंग फॉल्ट, आप कह सकते हो ड्यूरिंग फॉल्ट, यहां पे मैं लिख देता हूं चीजों को, तो गैस यहां पे क्या होते हैं, गैस बबल्स आ जाते हैं। ड्यूरिंग फॉल्ट क्या होंगे, ये जैसे होगा फॉर्मूला अलग होगा, तो यहाँ आर्क का फॉर्मेशन होगा, और आर्क को बुझाने के लिए कौन आएगा सर? देखिएगा सर, यहाँ पे बारीकी से एक बार देखिए, यहां पे क्या होगा हमारा सर, आर्क का फॉर्मेशन हो गया, कब, जब आपका फॉल्ट होगा, आर्क का जैसे फॉर्मेशन हुआ यहां से आ रहा है आपका SF6। ओके, यहां से कौन आ रहा है आपको, SF6। और SF6 क्या करता है सर, इस आर्क को बुझाने का काम करता है। कैसे, SF6 यहाँ आर्क आएगा, देखो आर्क में क्या होता है सर, आर्क के अंदर क्या होता है, आप बोलोगे सर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, होल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, होल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, होल्स होते हैं ना, यही तो होता है। ये क्या करता है, इस SF6 से, SF6 क्या करता है, इस इलेक्ट्रॉन्स को सिर्फ इस आर्क में जो उत्पन्न होगा इलेक्ट्रॉन्स और होल, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स को लेके क्या बनाता है सर, SF6-, क्या बनाता है, SF6-। इसका मतलब है, यहां पे इसका मतलब है, इसको बोलते हैं हाई नेगेटिव आयंस, हाई नेगेटिव आयंस आप बनाता है, हाईली नेगेटिव आयंस, जो कि क्या होता है, हैवी होता है, जो क्या होता है, जो क्या होता है सर, हैवी होता है। वेट अ सेकेंड, हैवी वजन से क्या होता है, भारी हो जाता है। SF6 नेगेटिव बनाता है जो हाई नेगेटिव आयंस होते हैं, और ये क्या होते हैं, वजनदार होते हैं। अब देखिए ये SF6 क्या करता है, जैसे आर्क का फॉर्मेशन हुआ, SF6 इसके इलेक्ट्रॉन्स को ग्रैब करता है, इलेक्ट्रॉन्स को जैसे ही ग्रैब करेगा और ये वजनदार होकर नीचे बैठ जाएगा, ये क्या करेगा सर, नीचे बैठेगा। सो किसी आर्क को फॉर्मेशन को अगर आपको खत्म करना है तो ये वहां से कुछ इलेक्ट्रॉन्स हटा दीजिए, तो अकेला होल के कारण, अकेला होल्स के कारण ये कभी भी आर्क का फॉर्मेशन नहीं करेगा, ये बुझ जाएगा ऑटोमेटिकली। सो यही मेन फंडा होता है कि SF6 क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स के साथ कंबाइन होकर SF6 नेगेटिव बनाता है, जिसको हाई नेगेटिव आयंस बोलते हैं, और ये हैवी वजन में होता है, ये नीचे बैठ जाता है, तो इलेक्ट्रॉन्स यहां मात्रा बची नहीं, सो आर्क अपने आप क्या होता है सर, कमजोर हो जाता है, आर्क हमेशा क्या हो जाएगा, कमजोर होगा। नाउ अनदर थॉट्स में यहां पे बताऊं, अनदर थॉट्स में यहां पे बताऊं सर, यहां पे देखिएगा SF6 जब वहां पे SF6 ब्रेक, चूंकि हीट जब होगा बहुत ज्यादा तो ब्रेक करता है, लेकिन हाई टेम्परेचर पर SF4+SF2 में ये ब्रेक तो कर जाता है। ओके, लेकिन फिर से रिकम्बाइन कर लेता है और क्या बनाता है सर, SF6 अगेन, ये SF6 बना लेता है। ओके, तो आपकी मात्रा भी कम नहीं हुई SF6 की, लगातार ये मेंटेन करता है, जैसे ही आपका SF6 डिकम्पोज भी होता है हाई एक्सेप्शनल कंडीशन में, मतलब कि हाईली टेम्परेचर पे, फिर से ये अपने आप में क्या कर लेता है सर, रिकम्बाइन कर लेता है। तो ये भी इसकी एक प्रॉपर्टी है SF6 की। और मैं बताता हूं, और मैं SF6 के बारे में बताता हूं सर, SF6 क्या करता है, देखिएगा SF6 क्या करता है, यहां पे इसके बारे में बता रहा हूं।
इसके सामने क्या होते हैं सर, आर्क होता है। SF6 किसके साथ कंबाइन करता है, आर्क के साथ। आप बताएं आर्क में क्या है सर, आर्क में क्या है, आर्क में सर इलेक्ट्रॉन्स होल्स, इलेक्ट्रॉन्स होल्स, होल्स इलेक्ट्रॉन्स, होल्स इलेक्ट्रॉन्स, यही होता है मेन कंपोजिशन। अब देखिए ये करता क्या है सर, देखिएगा ये किस तरीके से करता है काम। इसको ऐसे दिखा देता हूं मैं, ये दो कॉन्टेक्ट के बीच जब आपका आर्क का फॉर्मेशन होता है, एकदम बारीकी से देखना है सर, जब आपका आर्क का फॉर्मेशन होता है और यही इलेक्ट्रॉन्स होल्स है, इलेक्ट्रॉन्स होल्स है, इलेक्ट्रॉन्स होल्स है, इलेक्ट्रॉन्स होल्स है, ओके। तो इससे क्या करता है ये देखिएगा, आपको पता है कंडक्टिविटी की अगर बात करूं तो फॉर्मूला क्या होता है, एन ई म्यू, ओके। ये देखिए अब देखिएगा चार्ज कैरियर की बात करता है यहां पे, समझिएगा एन क्या है नंबर ऑफ चार्ज, एन क्या है नंबर ऑफ चार्ज, एकदम बारीकी से देखना है सर, क्या है सर एन, एन क्या है सर नंबर ऑफ चार्ज कैरियर, नंबर ऑफ चार्ज, ओके। और ई क्या है इलेक्ट्रॉन्स, ई क्या है सर इलेक्ट्रॉन्स, ओके। तो यहां देखिएगा सर, यहां इसके रिगार्डिंग एक बड़ा इंपॉर्टेंट आपको मिलेगा टर्म, क्या कि मान लो SF6 जब इलेक्ट्रॉन्स के साथ कंबाइन करता है, क्या करता है इलेक्ट्रॉन्स के साथ, तो ये क्या देता है फाइनली SF6 नेगेटिव, क्या देता है सर SF6 नेगेटिव। जब SF6 नेगेटिव देगा वो वजनदार हेवी होता है, वो क्या होता है हेवी, तो वो नीचे बैठ जाएगा, वो नीचे बैठ जाएगा SF6 माइनस, ओके नीचे बैठेगा। ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि जहां आर के पास मात्रा किसकी घट जाती है, इलेक्ट्रॉन्स की, मतलब आप ये देखिएगा इलेक्ट्रॉन्स की मात्रा घट जाती। सो अगर ये इलेक्ट्रॉन्स बढ़ा, देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सॉरी घटाना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा घटेगा, क्योंकि SF6 कंडक्ट किया, तो यहां से क्या हो जाएगा ये इलेक्ट्रॉन्स खत्म, ये इलेक्ट्रॉन्स खत्म, ये इलेक्ट्रॉन्स खत्म, ये इलेक्ट्रॉन्स खत्म, यानी यहां से इलेक्ट्रॉन्स खत्म होने लगेंगे, यहां से क्या करेंगे इलेक्ट्रॉन्स खत्म होने लगेंगे। तब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अब देखिए आर्क कंडक्ट करता रहेगा क्या, उसके लिए कंडक्टिविटी चेक करते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सर अगर लगातार आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर चार्ज नंबर ऑफ चार्ज या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लगातार आपका कम होता जाएगा तो कंडक्टिविटी कम आई होगी। और कंडक्टिविटी जो फॉर्मूला होता है आर बराबर एल बटा कंडक्टिविटी इंटू ए, देखिए एकदम ध्यान से सर समझिएगा, एकदम ध्यान से समझना इस कॉन्सेप्ट को, मेन पूरा कैसे काम करता है इस चीज को देखना है। अब देखिएगा क्या करता है, कंडक्टिविटी अगर किसी का कम हुआ इसका मतलब उस परिपथ में रेजिस्टेंस क्या हो गया हायर हो गया, उस परिपथ में रेजिस्टेंस हाई हो गया। सो अब इन दोनों एरिया में रेजिस्टेंस इतना ज्यादा हो जाता है कि आर्क ऐसे भी कमजोर पड़ने लगता है, आर्क क्या पड़ता है सर कमजोर पड़ने लगता है, क्योंकि एरिया अब क्या है देखिए जब SF6 समास इलेक्ट्रॉन्स घटा, इलेक्ट्रॉन्स घटा मतलब आर्क का कंडक्टिविटी नेचर घटने लगा, आर्क जो है कमजोर पड़ने लगा, और ये एरिया क्योंकि कंडक्टिविटी अगर कम हुआ तो रेजिस्टेंस परिपथ का ज्यादा हो गया, तो अब ऐसे भी आर्क का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा, आर्क खत्म हो जाना है। तो ये बेसिक फीचर्स होते हैं कि SF6 कैसे काम करता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि SF6 के बारे में आपको पूरा जानकारी मिल चुका होगा। एक बार मैं प्रॉपर आपको सर इसका एनिमेशन भी दिखाता हूं, जिससे ये चीज पूरे मामला का पिक्चर क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल पूरे मामला का। यहां से तो SF6 को लेना थोड़ा डिफिकल्ट है, पिक्चर कहां दिखाऊं, पिक्चर कहां दिखाऊं, शायद एक सेकेंड शायद नहीं दिखेगा, तो मैं कर देता हूं कुछ ना कुछ अरेंज, वेट अ सेकेंड, वेट अ सेकेंड, ओके सर देखिएगा एक बार थोड़ा सा कुछ SF6 की भी चर्चा करें। तो SF6 सर्किट ब्रेकर प्रैक्टिकली आपको ऐसे दिखता है, ओके प्रैक्टिकली ऐसे दिखता है। अब देखिएगा ये इस तरीके से प्लांट के अंदर हमारा क्या होता है, ये स्टेबल किए जाते हैं, और ऑब्वियसली ये जो इतना मैकेनिज्म है सर, एक चीज ध्यान रखना इतने मैकेनिज्म है, ये मेरा मैकेनिज्म का वो हटेगा नहीं, गियर बॉक्स तो ऐसे नहीं हटेगा, तो पूरा मैकेनिज्म होता है, इवन मोटर सेटअप किए जाते हैं ताकि फटाक से रिस्पॉन्स कर जाए, ओके हटा दे उसके दो पार्ट को, तो ये नीचे पूरा मैकेनिज्म होते हैं, इसके नीचे पूरा मैकेनिज्म होता है सर,
अगर कोई फॉल्ट आया मान लो ट्रांसमिशन लाइन में, फॉल्ट आने के बाद वहां डिटेक्ट होता है और ये दोनों सर्किट ब्रेकर के कॉन्टेक्ट मूव, मतलब एक मूव करने लगता है, एक फिक्स रहता है। ये देखिए कॉन्टेक्ट क्लोज है, ओके, ये अपने आप उस चीज को रिसेट कर लेता है वैल्यू को, ओके। ये देखिए हट गया, हट गया, ओके। जब फिर आपका फॉल्ट आया होगा तो हट गया, फिर आप इसको क्या करते हो सर, क्लोज हो जाता है, ये क्लोज कर लेते हैं, तो इसमें एक फिक्स कॉन्टैक्ट होता है। ये जनरल फीचर है, ये शुरू से मैं वीडियो से वीडियो को दिखाते आया हूं कि ये जनरल फीचर है, किस तरीके से ऑपरेट होता है। यहां मैकेनिज्म, उसके नीचे गियर बॉक्स, कोई भी सर्किट ब्रेकर होगा उसके नीचे गियर बॉक्स होंगे, ओके। और उस तरीके से ये देखिए, और जैसे ही होता है तो आर्क का फॉर्मेशन हुआ ना, आर्क का फॉर्मेशन होता है ना, जैसे रिमूव करेगा आर्क का फॉर्मेशन हुआ, इसको बुझाने के लिए SF6 यहीं पे अपन डालते हैं ताकि इसके हवा को जला दे तो SF6 को नहीं जला पाएगा, तो आर्क का आर्क बुझ जाएगा। सर्किट ब्रेकर का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही है आर्क का फॉर्मेशन हो जाना, उसी को बुझाने के लिए इतना बड़ा काम करते हैं। नहीं तो दो कॉन्टैक्ट को हटाने के लिए तो अपने पास ढेर टेक्निक है, हटा देंगे ऐसे ही, है ना, बहुत सारा मोटर ऑपरेट करके हटा देंगे, लेकिन आग को बुझाने के लिए सर्किट ब्रेकर का साइज इतना बड़ा हो जाता है, ओके। तो ये आर्किंग चैम्बर होते हैं। सो ये तो जनरल टाइप्स है, और ये हमने सारे टाइप्स को ऑलमोस्ट देख लिया है सर, ओके, हमने सारे टाइप्स को देख लिए, एयर सर्किट ब्रेकर, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर, ओके, ऑयल सर्किट ब्रेकर, उसके बाद में बात करूं तो फिर आपका जो वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, और ये आपका SF6 सर्किट ब्रेकर, ओके। चलिए, तो आई होप ये सारी जानकारी सर आपको मिल चुकी है ऑलरेडी, पहले से कई वीडियो में इनकी चर्चा मैं कर चुका हूं, ठीक है। तो ये इस तरीके से काम करता है सर्किट ब्रेकर के अंदर मेन फीचर। अब रही बात सर, आपको कई बार लैंग्वेज भी लिखना पड़ता है, तो मैं बिल्कुल लैंग्वेज के लिए भी आपके लिए साथ तैयार रहता हूं कि लैंग्वेज को कैसे प्रिपेयर किया जाए। आइए सर, सल्फर हेक्साफ्लोराइड सर्किट ब्रेकर, आइए सर, नो, ओके, आए सर, SF6 सर्किट ब्रेकर के बारे में। अब है कि आपको अगर पॉइंट्स लिखने हैं तो उसको अपन कैसे लिखते हैं, ओके, सारी जानकारी हमने दे दिया सर्किट ब्रेकर कैसे काम करता है। नो, इसे प्रॉपर कंस्ट्रक्शन सर यही बनाना है, जब भी कंस्ट्रक्शन की बात की जाए आपको यही बनाना है। इन SF6 सर्किट ब्रेकर्स सल्फर हेक्साफ्लोराइड SF6 गैस इज यूज्ड, ओके। तो SF6 सर्किट ब्रेकर के अंदर क्या होता है, सल्फर हेक्साफ्लोराइड गैस का उपयोग करते हैं। तो जो अभी तक ध्यान रखिएगा, हमारा वीडियो का लेंथ ना बड़ा हो जाए, अभी तक जो हमने कराया आपको, अभी तक जो हमने कराया वो सारे मेन फीचर्स थे। अब अपने को क्या कराना, आपको पॉइंट्स लिखाने, आपको क्या करने सर, पॉइंट्स लिखाने। तो ये लगातार आपको सर्किट ब्रेकर में कैसे इस तरीके से कंस्ट्रक्शंस होते हैं, हर एक कंस्ट्रक्शन की चर्चा करेंगे, इनकी चर्चाएं होंगी, ओके, आप सर्किट ब्रेकर के क्या एडवांटेज है, क्या ड्रॉबैक है, इन सारी चीजों की चर्चा हम करने वाले हैं, ओके। तो चलिए सर, इसको देखते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, इन लैंग्वेज को पूरा मैं करवा देता हूँ कि किस तरीके से क्या है, इनके बारे में पूरे डिटेल से वर्किंग हमने जितना अभी तक सर्किट ब्रेकर कराया उतना ही करना है, और उसी में सारा काम हो जाएगा। यहां से आपको नोट डाउन करवाता हूँ एक एक लाइन, तो वो हमारा पार्ट 2 SF6 का पार्ट 2 में आप देखेंगे कि हम इसके बारे में पूरा डिटेल में एक एक चीज बताएंगे लैंग्वेज में, एक एक लैंग्वेज क्या इसके एडवांटेज है, क्या फीचर है, क्या कंस्ट्रक्शन है, कैसे काम करता है। अब लैंग्वेज में बता देता हूँ जितना हमने कराया है, ओके। मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, अगले वीडियो में देखते हैं सर, बेस्ट ऑफ लक।